इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एम एस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी एक्स्ट्रा पेज या फिर ब्लैंक पेज कैसे डिलीट कर सकते हैं तो यहाँ पर मेरे पास तीन पेज हैं यह रहा एक और यहाँ मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा तो इसमें से मुझे कोई एक पेज अगर डिलीट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप व्यू पे क्लिक कीजिए यहाँ पर आपको देखिए आपका इंटरफेस कुछ अलग हो सकता है क्योंकि मैं 2019 का एम एस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो अगर आप कोई भी एम एस वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रोसेस सेम है तो आप वीडियो ध्यान से देखिए तो सबसे पहले व्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद अब आपको यहाँ पर मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करना है तो इस तरीके से आपको आपके सारे पेज नज़र आ जाएंगे साइड बाई साइड सारे पेज नज़र आ जाएंगे अब मान लीजिए आपको पेज नंबर दो डिलीट करना है तो पेज नंबर दो पे क्लिक कीजिए इस तरीके से कर्सर यहाँ पर आना चाहिए ये कर्सर इस तरीके से शो होना चाहिए अब आपको आपके कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस जी दबाना है तो इस तरीके से यहाँ पर ये पेज ऐसा ये बॉक्स ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से लिखना है स्लैश और पी ए जी ई पेज लिखना है और इसके बाद गो टू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसे कट कर देना है कोई कोई लैपटॉप में इस तरीके से आएगा नहीं तो कोई अलग तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा इसके बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा तो सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है कीबोर्ड में जो डिलीट बटन होता है उसे दबा दें तो इस तरीके से आपका पेज डिलीट हो जाएगा अगर आप पेज गलती से डिलीट हो गया है, कोई और, और आप उसे वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और पेज वापस आ जाएगा वापस से डिलीट करें डिलीट दबा दें डिलीट हो जाएगा उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी टेक्सोर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें